भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।